स्वागत है आप सभी का किचन तड़का पे। जैसा कि आपने शॉर्ट में देखा था कि हमारे भटूरे क्यों नहीं फूलते, आज हम देखेंगे कि फूले फूले भटूरे कैसे बनाएं और क्यों ना फूले भटूरे हमारे। कभी कभी हम ऐसा होता है हमारे भटूरे फूलते नहीं हैं, लेकिन आज जिस तरह से मैं बनाऊँगी, जिस तरह से आप बनाएंगे ना, तो आपके भटूरे फूले बिना नहीं रहेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं भटूरे कैसे बनाते हैं और हमारे भटूरे मेरे हर बार फ्रेंड्स हर बार फूलते हैं। मैं इस तरह से ही बनाती हूँ हमेशा। तो स्टार्ट करते हैं भटूरे कैसे बनाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने मैदा लिया है, सबसे मेन इंग्रेडिएंट मैदा, जिसके बिना भटूरे बनना इम्पॉसिबल है। और ये एक कटोरी लगभग मैंने सूजी ली है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये बेकिंग पाउडर है, आप वो मीठा सोडा आता है आप वो भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा डालना है, दो चुटकी भर। और स्वाद अनुसार इसमें हम अब नमक डालेंगे और थोड़े सी 2 इंच चीनी के दाने। और फ्रेंड्स ताजी दही, इसका हम रायता भी बनाएंगे। भाई छोले भटूरे बना रहे हैं, रायता ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। और ये ताजी दही, मैंने 2 कड़छी ताजी दही ली है और बड़ा चम्मच कड़छी कह लो आप या कड़छी से थोड़ा सा कम रिफाइंड ऑयल, ये सारी चीज़ें ले ली फ्रेंड्स। और इसको हाथ से अच्छे से हथेली से मसलना है, ताकि ये जो हमने जितनी भी इंग्रेडिएंट इसमें डाले हैं, चीनी डाली है, रिफाइंड डाला है, सूजी डाली है, नमक डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है, उनको अच्छे से मिक्स करना है हमने। पहले अच्छे से हाथ से उंगलियों में निकालना है और फ्रेंड्स हल्का हल्का गुनगुना पानी लेकर हमें अच्छे से इसका डो तैयार करना है। बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इसी प्रोसीजर से बनाएंगे तो आपके भटूरे ना फूले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और देखिए ये मैंने सॉफ्ट डो एक बार अच्छे से मैंने इसको कर लिया है तैयार। अब इसके बाद फ्रेंड्स अब हम लेते हैं, कहाँ गया, कहाँ रखा है, ये रहा। हाँ देखिए थोड़ा सा रिफाइंड ले लेते हैं आटे के ऊपर और अपने जिस भी बर्तन में आपने ये डो तैयार किया है, और अच्छे से इसको मुट्ठी से जैसे आटा गूंथते हैं ना, मुक्की देना बोलते हैं, उसको अच्छे से एक बार और अच्छे से कर लेंगे हम। और फिर इसको एक बर्तन में घी का हाथ लगा के, यानी कि इसको चिकना हाथ लगा के, और इस डो को हम इस बर्तन में रख देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी सूजी फूलती है। अब देखिए आप देखिए बर्तन में आप ध्यान से देखना कहाँ पे है, और इसको 2-3 घंटे के लिए हम कवर करके रख देते हैं, ताकि ये सूजी जितनी फूलनी हो उतनी फूल जाएगी। और उसके बाद हमारे भटूरे का आटा देखिए, अब 2-3 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कहाँ था और कितना फूला फूला आटा है, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट है। इसका मतलब ये है कि अब हमारा भटूरों का आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है बनाने के लिए। ये देखिए मैंने उंगली भी डाल के देखी, इसमें बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा, जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही तैयार हुआ है। ये देखिए वाओ। अब स्टार्ट करते हैं, ऑयल मैंने चढ़ा दिया है और इसके बाद देखिए पहला ही भटूरा है ये देखिए वाह। और आप देखना एक भी भटूरा ऐसा नहीं होगा जो ना फूला हो फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने भी एक दो बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे लगा कुछ कमी है, तो वो कमी भी मैंने पूरी करी। और देखिए सारे भटूरे इतने क्रिस्पी, इतने अच्छे बने थे। और ये आपको दिख रहा है ना फ्रेंड्स, येलो येलो कलर दिख रहा है, ये सूजी के कारण है। देखिए हमारे सारे भटूरे एकदम रेडी हो चुके हैं, देखिए क्या भटूरे बने हैं, सारे के सारे भटूरे फूले हुए हैं। सबने इतनी तारीफ करी थी फ्रेंड्स कि बहुत ही क्या, बाजार के भटूरे क्या करेंगे। और ये देखिए हमारी थाली रेडी हो चुके है, भटूरे छोले रायता, आप भी खाइए छोले भटूरे विद रायता।